जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो इतना अच्छा और छोटा है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। बिना देर किए मैं आप सभी को वो उपाय बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज का जो उपाय है आप सोचेंगे कि ये हमारे घर में हम देखना भी नहीं चाहते हैं। ये चीज अगर आपके घर में अगर नजर भी आ जाए तो आप सोचते हैं कि कब हम इसे हटाकर अपने घर से बाहर फेंक दें। लेकिन उसी में आपको तरक्की का राज मिलेगा, यानी कि आप लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, कब अरबपति बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी अच्छी चीज है ये। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद तो आएगी ही, लेकिन आप 100% इस उपाय को करेंगे, ये वादा आप सभी को मुझसे करना होगा। ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो कौवे के घोंसले के बारे में है। अब आप सोचेंगे घोंसले के बारे में कई वीडियो देखे हैं, आप ऐसा क्या नया बता देंगे, तो उसके लिए पहले आप ध्यान से सुनिए, समझिए क्या चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ घोंसले के बारे में। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, कौवे के घोंसले से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं। कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है कि कौवे के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है जिनका लोगों ने बिल्कुल ही बहुत अच्छे से उसका जो लाभ उठाया है बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कौवे का घोंसला मिल जाए, जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और धनवान भी बन चुके हैं। कौवे के बारे में आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी। आप सब लोगों ने कौवे के बारे में ये चीज तो जरूर ही सुनी होगी कि कौवा एक चमत्कारी पक्षी होता है। आज जो जानकारी आपको बताने जा रही हूँ उससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस भी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, वो वृक्ष 6 वर्ष के अंदर ही सूख जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। जो लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर बीच में छोड़कर जाने की गलती कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आधी जानकारी प्राप्त करके आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 2 मिनट का समय निकालकर इस चीज को सुनते हुए जाइए, हो सकता है कि आपका भाग्य रातों रात चमक उठे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौवे के घोंसले से जुड़ी चमत्कारी चीज कौन सी है जो कि आपको कौवे के घोंसले से प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, कौवे के घोंसले से मिलने वाली वो चीज जो कभी खत्म नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बहुत ही खास चीज है। दोस्तों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है जो बड़ी ही चमत्कारी होती है। यह एक लकड़ी का चमत्कारी टुकड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति कौवे के घोंसले में इस लकड़ी के टुकड़े को प्राप्त कर सकता है और वो अपना भाग्य खुद चमका सकता है। यकीन ना हो तो दोस्तों, एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। व्यक्ति रातों रात लखपति नहीं बल्कि अरबपति बन जाएगा। इसको कैसे प्राप्त करना है ध्यान से सुनिएगा। जब कौवा किसी वृक्ष पर अंडे देता है, घोंसले का निर्माण करता है दोस्तों, तो उस पर आपको निगरानी रखनी होगी कि कौवे ने किसी वृक्ष पर अपना घोंसला बनाया है और अंडे दिए हैं या नहीं। और कछुआ ऐसी जड़ी लेकर आता है जिसे चितावर की लकड़ी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चितावर की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही चमत्कारी होती है। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस काम को आप कीजिएगा। आपको जो कौवे का घोंसला है उसे लेकर आपको बहते हुए पानी के पास चले जाना है। जहाँ पर भी जल बह रहा हो, चाहे वह नदी हो या झरना हो, बहते हुए पानी के पास आप पहुँच जाएं और कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डालना है, क्योंकि वैसे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि चितावर की लकड़ी कौन सी है। इसलिए एक एक तिनके को आप पानी में डालें और देखें। जब आप चितावर की लकड़ी पानी में डालेंगे तो जैसे ही वो पानी में गिरेगी तो उसका उल्टी ओर बहाव होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बहते हुए जल की तरफ नहीं जाएगी, उल्टी तरफ जाएगी। बस आपको समझ जाना है कि यही चितावर की लकड़ी है। आपको तेजी से उल्टी दिशा में जाती हुई नजर आएगी। बस आपको तुरंत उस लकड़ी को बहते जल से बाहर निकाल लेना है और घर लाकर उसका धुआं, धूपदान, अगरबत्ती से उसकी पूजा पाठ करें। उसके बाद शनि मंत्र का जाप आपको करना है। ऐसा करने से चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज को आप अपने घर में रखें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। हमेशा धन के भंडार बने रहेंगे, अन्न के भंडार बने रहेंगे। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को जरूर करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, इसीलिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अजीब है यानी कि सच है। शास्त्रों में कहा गया है कि कौवा जितना ही ज्यादा चमत्कारी होता है, उतना ही उसके अंडे या फिर घोंसला भी चमत्कारी होता है। तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति बन जाएं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।